हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अमेजिंग से किचन टिप्स एंड रेसिपीज लेके आई हूँ जो आपका काम तो आसान करते ही है, साथ ही में आपका वक्त भी बचाते हैं और पैसे भी। थोड़ी सी भी अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, वो भी घंटे के साथ, ये बिल्कुल भी फ्री है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स टिप नंबर 1 देख लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर पे आप कैसे छेना निकाले। अगर आप छेना निकालते हैं और परफेक्ट नहीं निकलता तो आज इसकी टिप मैं आपको बता दूंगी। पहले एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसके बाद मैं यहाँ लेने वाली हूँ दूध। और दूध कौन सा लेना है आपको, डायरेक्टली कच्चा दूध नहीं लेना है। ये दूध मैंने कल गर्म करके रखा था और आज ये ठंडा हो चुका है, यानी कि इसकी मलाई निकल चुकी है। ऐसा ही दूध आपको लेना है तो ये टिप का जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ मैंने दूध ले लिया है, जितना आपको निकालना है छेना उसके हिसाब से आप दूध ले ले। और ये देखिए यहाँ मैंने 1.5 लीटर के आसपास दूध लिया है फ्रेंड्स, और इसको मैंने गर्म करने रख दिया है। चलिए एक चीज की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ ले लूंगी विनेगर, जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं ना, सफेद विनेगर, 2 टेबल स्पून ले लिया है। और 2 चम्मच ही, यानी कि 2 टेबलस्पून ही हम ले लेंगे पानी। दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे और ये हमारा रेडी है सॉल्यूशन। इसके बाद मैं यहाँ एक बर्तन और छन्नी भी रेडी कर रही हूँ ताकि हम फटाफट से छेना को इसमें छान सके, और एक कपड़ा ऊपर से रख लेंगे इस तरह से। चलिए दूध की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। तो दूध में बॉईल आ चुका है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बॉईल कर लेना है। और अब जब बॉईल आ जाए तो गैस को ऑफ कर ले और इसको ठंडा होने दे। ठंडा उतना होने देना है कि आप इसको छू सके, वैसा ठंडा होना चाहिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रख लें। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और दूध ऐसा है कि मैं ऐसे उंगली डाल रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे गर्माहट लग रही है, बट ऐसा ही दूध चाहिए। अभी गैस ऑफ ही है तभी आपको ये जो विनेगर और पानी का हमने घोल बनाया था वो आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, और दूसरे हाथ से कंटिन्यूसली इसे हिलाते भी जाना है। गैस ऑन बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आप घोल डालिए, ये परफेक्ट तरीका है फ्रेंड्स छेना बनाने का। फिर आप चाहे इसकी रसमलाई बनाइए और रसगुल्ला बनाइए, कोई भी मिठाई बनाइए, परफेक्ट आपके जो छेना है वो आपको मिलेगा। तो मैंने सारा डाल दिया है, कंटिन्यूसली आप इसको चलाते जाएं। और ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने ही है, दूध अच्छी तरह से फट चुका है और छेना हमारा निकल चुका है। अभी इस टाइम पे आपको एक और चीज का तैयारी रखनी है, वो है ठंडा पानी। एकदम आइस वाला पानी आपको इसके अंदर डालना है ताकि इसकी जो फर्दर कुकिंग है वो ना हो सके और जल्दी से ये ठंडा हो सके। चलिए फटाफट से इसे छान लेते हैं। तो जो हमने कपड़ा रखा था छन्नी के ऊपर, बस उसी में आपको इसको छान लेना है। तो ये देखिए, ये काम इसलिए आपको पहले ही प्रिपरेशन करके रखना है, फिर ज़्यादा टाइम अगर गर्म पानी में रहेगा तो आपका छेना रबर जैसा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यही गलती आप करते होंगे, तो एक बार इस तरीके से करिए। और ऊपर से भी ठंडा पानी डालते हुए इसे हाथों से ही आप करिए, चम्मच वगैरह का यूज़ ना करें, हाथों से ही आप जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से करें और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर दे। ठंडा पानी डालते हुए इसे धो दे ताकि इसमें से जो विनेगर की स्मेल है वो निकल जाए, जो खट्टापन है वो निकल जाए। तो इस तरह से आप इसको वॉश कर ले। 3 से 4 बार मैं इस तरह से ठंडा पानी डाल के इसे वॉश करूंगी फ्रेंड्स, और एकदम दानेदार हमारा जो छेना है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब ये वॉश हो चुका है, इसकी पोटली बना लेती हूं और जो एक्सेस वाटर है इसको अब हम स्क्वीज कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप करिए और इसको अब गोल गोल घुमाइए। ये देखिए जितना हो सके आप इसको स्क्वीज करिए, इसका पानी निकाल दीजिए, या आप आधे से 1 घंटे के लिए इसको टांग के रख लीजिए ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। तो थोड़ी देर रखने के बाद आपसे मिलती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब मैं इसे खोल के बता देती हूँ आपको कैसा हमारा छेना बना है फ्रेंड्स। ये देखिए परफेक्ट तरीका और पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज मैंने आपको छेना बनाना बताया है। तो आई होप आपको छेना बनाने का टेक्निक समझ में आ गया होगा। देखिए कितना परफेक्ट दानेदार ये छेना बना है। ये देखिए कैसी लगी ये टिप आपको, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स अगली टिप देख लेते हैं। तो आज मैं आपको भुट्टे में से कैसे आप घर पे आसान तरीके से कॉर्न फ्लावर बना सकते हैं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, इस मौसम में भुट्टे बहुत ही सस्ते अवेलेबल होते हैं, तो इसे छील लीजिए। इसके दाने कैसे निकालने हैं ये मैंने आपको पहले ही मेरी टिप वाले वीडियो में बता दिया था।
बिना कटर के आसानी से आप कैसे मिनटों में सारे भुट्टे के दाने, वो भी साबुत के साबुत यानी पूरे के पूरे, कैसे निकाल सकते हैं, जरूर देखिएगा वो वाला वीडियो। देखना चाहते तो कमेंट करेगा। अब हम भुट्टे को एक बोल में डाल देंगे और इसे दो पानी से एक बार वॉश कर लेंगे। तो देखिए मैंने वॉश कर लिया है और साफ पीने के पानी में इसे सोक करना है अभी हमें 2 घंटे के लिए, ताकि ये जो भुट्टे हैं अभी ये देखिए ये इस तरह से दबाने से दब नहीं रहे हैं। तो 2 घंटे अगर हम सोक करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे भुट्टे। अब मिक्सी जार ले लेंगे और ये जो भुट्टे हैं इसको इसके अंदर डाल के इसको पीसना है। अगर आप फ्रेंड्स वो कड़क वाले जो भुट्टे होते हैं वो ले रहे हैं ड्राई भुट्टे, तो आप ओवरनाइट उसे सोक करिएगा। थोड़ा सा साफ पीने का पानी डाल दिया है और इसको चला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स परफेक्ट हमारा बना है। थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसे वापस चलाऊंगी, तो पानी का कोई टेंशन नहीं है, कोई मेजरमेंट यहाँ नहीं है। छन्नी ले लेंगे और इसको छान लेंगे और जार में भी हम पानी डाल के ले लेंगे सारा और इसको इस तरह से छान लेंगे। ये देखिए घर पे कॉर्नफ्लोर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स, और इस सीज़न में आप इसको बना के रखिए, पूरे साल भर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर सूप को गाढ़ा करने में, मंचूरियन की रेसिपी में और पेटिस में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। बाहर से हम लाते हैं उससे अच्छा कि आप घर पे प्योर कॉर्नफ्लोर कैसे बनाएं वो आप देख लीजिए। आज पानी डाल लिया है और जितना हो सके इस कॉर्न का दूध निकाल रहे हैं हम, इसका जो अर्क है वो निकाल रहे हैं हम। तो इसको दबाते हुए आपको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो कपड़े का भी यूज कर सकते हैं यहाँ। तो ये देखिए मिक्सी में जितना है मैं सारा ले लूंगी, तो पानी का टेंशन यहाँ बिल्कुल नहीं लीजिएगा और पानी ही साफ पीने का पानी ही यूज करिएगा। तो इसको छान लिया है फ्रेंड्स। देखिए ये जो बचा है फ्रेंड्स इसको आप डिस्कार्ड कर लीजिए, अब ये कोई काम का नहीं है। और ये हमें मिल गया है स्वीट कॉर्न का दूध मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इसको और एक बार छानना है। तो मैं यहाँ छोटी छन्नी ले रही हूँ। इस तरह से करने से जो कॉर्नफ्लोर है एकदम बारीक और महीन हमें मिलेगा फ्रेंड्स। तो आपको 2 बार इसे छानना है। अगर आप मसलिन क्लॉथ से छान रहे हैं तो फिर 1 बार में ही हो जाएगा फ्रेंड्स, बट उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मुझे छन्नी वाला प्रोसीजर ज़्यादा बेटर लगता है। तो छोटी छन्नी है फ्रेंड्स चाय वाली, उसी से मैं छान रही हूँ ताकि इसमें एकदम फाइन सा हमें कॉर्नफ्लोर मिले। तो ये देखिए इस तरह से छानते जाइए। और ये जो बचता है फ्रेंड्स अभी छानने के बाद, इसको आप क्या करें, जब आप आटा लगाते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं, सूप बना रहे तो उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, उसको फेंकेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से आप चम्मच घुमाते हुए इसको पूरा अच्छी तरह से छान लें। तो आप इसको अच्छी तरह से दबाते हुए छान लें और ये जो बचा है इसको आप आपके आटे में इंक्लूड करें, इसको बिल्कुल भी फेंके नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पूरा छान लिया है और परफेक्ट हमारा ये घोल रेडी है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसको ढक के 2 से 3 घंटे के लिए एक साइड पे रहने देना है, बिल्कुल इसे हिलाना नहीं है ताकि पानी ऊपर आ जाए और जो हमें स्टार्च चाहिए वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल हिलाना नहीं है, 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स और ये देखिए पानी ऊपर आ चुका है। और तो एक बर्तन ले लूँगी और इस पानी को इस तरह से इसमें निकाल लूँगी। धीरे से ही आपको निकालना है, पूरा हिलाना नहीं है। देखिए नीचे स्टार्च है और ये पानी को आप पौधों में डाल दें। ये देखिए इस तरह से धीरे से निकालिए, बिल्कुल स्टार्च को ज़्यादा छेड़िएगा नहीं फ्रेंड्स। ये देखिए तो सारा पानी आप निकाल दें, आप देख सकते हैं नीचे हमारा पूरा स्टार्च हम कलेक्ट हुआ है फ्रेंड्स। और चम्मच की हेल्प से जो थोड़ा थोड़ा पानी है वो भी निकाल दें। वैसे नहीं निकालेंगे, थोड़ा पानी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बस उसे सूखने में, दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जितना आप पानी निकाल सकते हैं उतना निकालने की कोशिश कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी ये सूख जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स नीचे पूरा स्टार्च हमें मिल चुका है। ये देखिए 2 भुट्टों में से मैंने इतना ये निकला है स्टार्च फ्रेंड्स। तो अब मैं थाली ले लूँगी और इसको मैं डाल लूँगी इसके ऊपर, और इसका एक पतला सा लेयर आपको करना है। तो आपको क्या करना है, बस थाली को घुमा लेना है ताकि इवनली ये स्टार्च इस थाली पे फैल जाए। तो सारा मैं ले लूँगी इसके अंदर, क्यों वेस्ट करना है, इतनी मेहनत से हमने निकाला है।
तो ये देखिए अब मैं थाली को घुमा रही हूँ और बस दैट्स इट। अब इसको धूप में सुखाइए या घर पे नॉर्मल फैन के नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन में ये आराम से सूख जाएगा। फ्रेंड्स जितना पतला लेयर लगाएंगे, जितना आपने बनाया है उसके हिसाब से आप थाली को कर सकते हैं 1 या 2 थाली। चलिए सूखने के बाद मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स 2 दिन हो चुके हैं, परफेक्टली ये सूख चुका है। ये देखिए पूरी व्हाइट कलर का लेयर हो गया है। तो आप इस पलटे के हेल्प से इसे निकाल दें। देखिए आइसक्रीम जैसे स्कूप होती है ना, बस उसी तरह से ये निकलता है। ये देखिए एकदम पतली सी ये लेयर है, पेपर जैसी, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए तो ये है फ्रेंड्स कॉर्नफ्लावर, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से सारी जो कॉर्नफ्लावर है इसकी स्ट्रिप्स हम निकाल लेंगे। ये देखिए घर पे बना सकते हैं फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत मिलावटी मिलता है। तो अगर सीजन आ रहा है तो फिर क्यों ना, तो इसलिए मैं आपसे जल्दी से जल्दी ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि इस सीजन में आप ये भी घर पे आराम से बना लें। तो ये देखिए मैंने इसको स्क्रेप कर लिया है और अब मैं इसको तोड़ लूँगी हाथों से ही। ये देखिए पूरा हाथ पे सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है, कॉर्नफ्लावर ऐसे ही तो होता है ना। ये देखिए अब इसको पाउडर फॉर्म बनाने के लिए हम ले लेंगे मिक्सी जार और इसको एक बार पीस लेंगे ताकि हमें बहुत ही महीन पाउडर मिल जाए। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे पीस लिया है और परफेक्ट हमारा कॉर्नफ्लावर घर पे बनके रेडी है। ये देखिए कलर भी देखिए एकदम परफेक्ट आया है फ्रेंड्स, और कोई मिलावट नहीं है, सीधा हमने फ्रेश कॉर्न से ये बनाया है फ्रेंड्स घर पे। 2 दिन में बन जाता है, मेहनत ही कितनी लगी है, बस सूखने का जो टाइम है उतना ही हमें इसको वेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कॉर्नफ्लावर हमारा बनके रेडी है। इसे आप स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स साल भर के लिए। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो एक बार धूप ज़रूर दिखाइएगा और इसको कोई कांच के कंटेनर में जो साफ हो और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो वैसे कंटेनर में आप इसको स्टोर करें। ये देखिए कितना परफेक्ट और महीन बना है। आप चाहे तो इसको छान सकते हैं, मैं इसी तरह से इसे स्टोर करी हूँ। कैसी लगी ये टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की अमेजिंग टिप्स? कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई उसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो या रिक्वेस्ट हो तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। सब्सक्राइब कीजिए घंटे के साथ ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन टेक केयर, बाय।